ओ हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ प्लेनेट जू। तो भाई बहुत खतरनाक काम कर चुका हूँ मैं अपने जू के अंदर। भाई सुनने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई कमेंट और शेयर करके जरूर बताओ कि अब इस जू को सुधारा कैसे जाए। भाई मैंने इतना गलत काम छेड़ दिया जू में, भाई क्या ही बताऊँ। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा भाई, मैं ये सारा कुछ यहाँ से जो भी था मैं तोड़ दिया, रोड वोड तोड़ चुका था इधर पूरा, मतलब इधर पूरा यहाँ से इधर इधर भीड़ बनाने के चक्कर में मैंने सब तोड़ दिया, और वो सक्सेसफुल रहा है, मेरा सक्सेस हो रहा है। देखो भाई कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, देखो भाई जो क्यू है भाई वो क्यू टूट ही नहीं रही भाई, क्यू इतनी भीड़, भाई इतनी भीड़ हो चुकी है। 20 गाड़ियां लगा दी मैंने पूरी, टोटल 20 गाड़ियां ही चल सकती है, और मैंने टोटल 20 गाड़ियां ही लगा दी है चलने के लिए। और ये देखो भाई लगातार लाइन में लगी हुई है 20 गाड़ियां की, 20 गाड़ियां ये देखो भरी हुई है सारी फुल, अभी एक एक करके उतार रही है और नए नए बंदे बैठ रहे हैं इसके अंदर। भाई पूरी 20 गाड़ियां लगा दिया मैंने लाइन के अंदर, और ये देखो यहाँ से जा रही है एक एक करके। और भाई ये क्या हो गया यार, अब ये फिर बफेलो बीच में आके अड़ गई है, तो गाड़ी अटक गई है, तो अब ये बफेलो को हटाना पड़ेगा साइड में। बफेलो साइड जाओ प्लीज, साइड हट जाओ, जय माता दी, लेट्स रॉक, साइड हट जाओ। अरे बंदो मैंने घुसना, साइड हट जाओ, ऊपर चढ़ गई। तो भाई ऊपर चढ़ती हमारी गाड़ी चल पड़ी है, और वो बफेलो भाग के निकल जाएगी अब। ठीक है चलो, तो भाई ये गाड़ियां वापस चल पड़ी हैं, और भाई फटाफट से गाड़ी वापस आ जाएंगी यहाँ पे। और एक एक करके देखो बंदे उतरते जा रहे हैं, एक एक करके बंदे उतर रहे हैं, और नई नई गाड़ियां जाती जा रही है, भर भर के नए नए लोगों को घुमा के लेके आ रही है। और भाई मैंने एक काम और किया था, हाँ एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे लोग उतर रहे हैं तो घूम के तो आ रहे हैं, टिकट तो दे ही दे रहे हैं, और मैंने यहाँ पे साथ कर देखो भाई डोनेशन बॉक्स लगा दिए कि जो लोग उतर के आ रहे हैं ना वो यहाँ आएंगे डोनेशन बॉक्स में, और भाई डोनेशन दे रहे हैं, लिटरली भाई डोनेशन दे रहे हैं लोग। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, देखना देखो भाई $2,600 की डोनेशन आ चुकी है, और लोग घूम के आ रहे हैं डोनेशन दे रहे हैं। और ये देखो अभी ये देखो ये इतने सारे बच्चे हैं ना, ये देखो इतने सारे लोग आए, देखो ये रुक गए, देखो स्पेशल डोनेशन देने के चक्कर में रुके हैं भाई ये। देखो अभी डोनेशन दे के फिर जाएंगे, ये देखो उसने पैसे निकाल लिए देखो हाथ में, ये देखो भाई डोनेशन दिए भाई, 2,780 रुपए की डोनेशन हो गई भाई। और इससे इनसे पूछते हैं कि तुम खुश हो नहीं हो, तो भाई देखो गेस्ट फुल एनर्जी में, बस एजुकेशन यदि करा थोड़ी सी भाई, एजुकेशन लगाना पड़ेगा अंदर में, यहाँ पे प्रॉपर अंदर की साइड ना एजुकेशन लगाएंगे यहाँ पे ना, जैसे रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन के साथ साथ एजुकेशन के LEDs वगैरह लगा देंगे, जहाँ पे लोगों को मतलब प्रॉपर स्टडी मिलती रहेगी हमारे पास कौन कौन से एनिमल है अंदर, ठीक है, तो प्रॉपर हिसाब से लगाएंगे। और मैंने एक काम और किया भाई, खतरनाक काम कर दिया, जो ऑफलाइन कर दिया भाई, यहाँ से सारा साफ कर दिया, जो तालियां बजा दो भाई मेरे लिए, यहाँ से जू पूरा साफ कर दिया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, और सिर्फ इधर के जो ये मैंने बनाए हुए थे ना हैबिटेट, ये बड़े बड़े ये हैबिटेट छोड़ दिया, जैसे पैंडा का जू छोड़ दिया, ये पैंडा का हैबिटेट छोड़ दिया, ये जिराफ का हैबिटेट छोड़ दिया, और ये किसका वॉर्थोग और ओस्ट्रिच का ये हैबिटेट छोड़ दिया, एंड ये क्रोकोडाइल का हैबिटेट है ये भी मैंने छोड़ दिया। यार यहाँ पे अंधेरा ज्यादा है, यहाँ पे लाइट लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है क्रोकोडाइल हैबिटेट पे, तो यहाँ पे लाइट्स आ रही है, यहाँ लाइट कहाँ से आ रही है भाई, यहाँ पे लाइट क्यों आ रही है, वहाँ पे लाइट की जरूरत ही नहीं, जब कहीं और से लाइट आ रही होगी, उधर से शो इधर की लाइट पड़ रही होगी यहाँ की। और ये पेंगुइन का हैबिटेट नहीं तोड़ा भाई, क्योंकि सबसे बड़ा हैबिटेट हमारा है पेंगुइन का, और भीड़ देखो यहाँ पे भी पेंगुइन के हैबिटेट पे भीड़ देखो कितनी ज्यादा हो गई है जब से मैंने वहाँ का हैबिटेट तोड़ा है ना, ये देखो नीचे देखो कितने लोग आ गए भाई, नीचे कितने लोग आ गए देखो, जब से मैंने आगे के हैबिटेट तोड़े हैं सारे, तो भाई यहाँ के हैबिटेट की भीड़ बढ़ चुकी है बिल्कुल, और यहाँ से भीड़ लोग आ रहे हैं, दबा के लोग आ रहे हैं बस से भी हमारे। और मैंने क्या किया, जो यहाँ से आ रहा था ना रोड, देखो ये जो ये ऊपर बनाया था जो हमने रोड, वहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको, ये देखो ये प्रॉपर एक फ्लाईओवर बनाया, और वो सीधा जाके यहाँ पेंगुइन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अब एक काम जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो काम पता क्या करना चाह रहा हूँ, पहले एक बार सुबह कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद बताता हूँ। तो भाई एक तो यार सबसे पहले अब सुबह तो हो गई है, देखो सुबह होने के बाद देखो कैसा दिख रहा है हमारा जू, बिछड़ा बिछड़ा सा जू, ये इधर का सारा ब्लैंक हो गया ये सारा एक साथ जुड़ गया यहाँ पे, देखो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। एंड और ये देखो पेंगुइन का भी जू सही चल, पेंगुइन भी बढ़िया चल रहा है हमारा, पेंगुइन के हैबिटेट में काफी अच्छी भीड़ आ रही है, क्रोकोडाइल पे भी सही भीड़ है ज्यादा, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि काफी ज्यादा भीड़, हाँ नॉर्मल ठीक ठीक भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है पर ठीक ठीक भीड़ है। वॉर्थोग पे कम है थोड़ी, वॉर्थोग पे नहीं आ रही भीड़ इतनी, पेंडास पे सही आ रही है, पेंडास पे काफी अच्छी भीड़ आ रही है, देखो यहाँ पे भीड़ आ, ओ आज खाली बड़ा पेंडास का भाई, पेंडास पे एक टाइम भीड़ बहुत जाती है, आज खाली बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पेंडास भी खाली हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ये जिराफ पे आ रही है हल्की हल्की भीड़, जिराफ पे सही आ रही है, पेंडास पे काफी खाली हो गया क्योंकि अब सारी भीड़ यहाँ डाइवर्ट हो चुकी है, अब जो भीड़ अब सारी मैंने यहाँ डाइवर्ट कर दिया है। और भाई यहाँ देखो यहाँ की भीड़ नहीं टूट रही भाई, यहाँ की भीड़ नहीं टूट रही भाई, देखो सारी गाड़ियां फुल है, 20 गाड़ियां चला रखी है, 20 की 20 फुल हो जा रही है भाई, क्या मेरे को भाई समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ की भीड़ नहीं टूट रही भाई। और अब जो मैं बनाने वाला हूँ, एक तो यहाँ से फ्लेमिंगो को देखने के लिए एक पाथ बनाने वाले हैं प्रॉपर एक बढ़िया सा, जो मतलब एलिवेटेड होगा, ठीक है, और ज्यादा चौड़ा नहीं लेना, 4 मीटर का ही रखते हैं यहाँ पे, छोटा पाथ सही रहेगा, 4 भी 4 तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 6 रखते हैं, 6 मीटर का सही है, जो एलिवेटेड पाथ बनेगा यहाँ से पूरा, यहाँ से ऊपर जाएगा ये, ऐसे ऊपर जाता रहेगा बस, अब ये यहाँ मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी बैक करना है, ये यहाँ से नीचे जाएगा वापस, मतलब सेंट्राइज हो जाएगा, एंड अब ये यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाएगा ऐसे अंदर बस, और अब ये यहाँ पे मुड़ जाएगा ऐसे, थोड़ी सी और अंदर आएगा अभी, अब ये मुड़ जाएगा यहाँ पे ऐसे,
एंड अभी ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। ओ गाइस सॉरी ये टेढ़ा हो गया, देखो इसको स्ट्रेट करते हैं। ओके तो अब वापस से हम आ चुके हैं यहीं पे बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसे आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। अब यहाँ से हमें इधर की साइड बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लेना है इधर की साइड से जो है। हाँ अब ठीक है, एंड अब यहाँ से डाउन चला जाएगा। ओके तो देखो भाई ऐसे ही पूरा बन गया। अब यहाँ से लोग ऊपर जाके ना यहाँ से ऊपर आएंगे एंड यहाँ के फ्लेमिंगो को देख सकते हैं यहाँ से भी, कि मतलब प्रॉपर फ्लेमिंगो का वो यहाँ से वो स्टैम्प ले सकते हैं प्रॉपर। एंड यहाँ पे अभी लगा देंगे अपने डोनेशन बॉक्सेस। तो डोनेशन बॉक्स उठा के लेके आता हूँ मैं यहाँ से, कहीं ना कहीं पड़ा होगा यहाँ पे, ये रहा डोनेशन बॉक्स। कॉपी करते हैं इसे ताकि भाई अगर कोई ऊपर जाए भी फ्लेमिंगो देखने तो भाई डोनेशन जरूर दे हमें, बिना डोनेशन दिए ना जाए। यहाँ से देख रहे हैं लोग फिलहाल तो यहाँ पे भी ये लगा ही देते हैं डोनेशन बॉक्स। वैसे ये आला शीशा मैं यहाँ से शीशे हटाने वाला हूँ अभी, क्योंकि तो जो जिसको फ्लेमिंगो देखना ऊपर से जाओ भाई, यहाँ से कोई व्यू नहीं है फ्लेमिंगो का, ये आला शीशा भी हटेगा। तो देखो ये प्रॉपर ऐसे कर दिया, अब जिसको फ्लेमिंगो देखना ऊपर जाएगा यहाँ से, वहां से कोई व्यू नहीं है फ्लेमिंगो के लिए। अब जिसको देखना है यहाँ से ऐसे ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो मस्त फ्लेमिंगो दिखेंगे तुम्हें, बढ़िया मतलब बढ़िया तरीके से फ्लेमिंगो दिखेंगे। बहुत सही फ्लेमिंगो बने हुए बना दिए यहाँ पे, मतलब फ्लेमिंगो बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत मजे में रह रहे हैं। और ये क्या स्ट्रीम बात है यहाँ पे इनका, यहाँ पे फ्लेमिंगो का स्ट्रीम बात वगैरह कुछ है? और फ्लेमिंगो कहाँ है वैसे हमारी? ये देखो ये फ्लेमिंगो भाई मस्त मौज काट रहे हैं भाई ये तो। इसको क्या हो रहा है, ये मैकेनिक को क्या दिक्कत आ रही है भाई? तो भाई जब से मैंने सब कुछ तोड़ा तो देखना भाई मेरे वर्कर्स ही देखो भाई कैसे लाइन में चल रहे हैं, देखना ऐसे लग रहा है इनके पास कोई काम ही नहीं बचा है, मेरे वर्कर्स ही ऐसे घूम रहे लाइन में भाई। बहुत मतलब क्रेजी सीन हो गया भाई तोड़ने के बाद सारा कुछ भाई, पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई भाई, भीड़ काफी सही हो गई और थोड़ा गेम जो लैग हो रहा वो भी रिपेयर हो गया यार। ये नहीं समझ में आ रहा भाई भाई इतनी भीड़ इधर क्यों हो रही है बस? अब पहले मैं चाहता था यहाँ भीड़ हो तो सारी भीड़ यहीं आ गई, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी भीड़ है तो अब यहाँ नहीं आ रही भीड़ किसी भी। देखना पेंडस का पूरा खाली हो गया हमारा, पेंडस देखने कोई आ ही नहीं रहा है पेंडस को देखने। तो चलो आने वाले टाइम में अपना सेट हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत की इतनी बड़ी बात नहीं है। जब यहाँ से एक रोड आएगा ना एलिवेटेड रोड लेके यहाँ से भी एक प्रॉपर, तो वो अपने आप सेट हो जाएगा सारा मामला, ठीक है। तो अब दूसरा काम जो करना है, देखो फ्लेमिंगो का मैंने एक काम कर दिया, ये फ्लेमिंगो का मैंने रोड बना दिया प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। अब जो दूसरा काम करना है ना वो क्या करना है, अब यहाँ से जो ये रोड है देखो बहुत पतला रोड है, बहुत ज्यादा पतला रोड है, ये दिक्कत दे रहा है लोगों को ना आने जाने में, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस रोड को भी सही करना है अपने को, तो फटाफट से ये डिलीट मारते हैं, एक तो पहले ये रोड सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ का, और फिर इसको भी फटाफट से सही से दोबारा से बनाते हैं यहाँ पे। तो डिलीट हो गया और इसको डिलीट करते हैं एक बार, एंड इसको भी डिलीट करते हैं, और जो ये पाथ आ रहा है ये पत्थर वाला पाथ आ रहा है ना ये वाला, हाँ ये वाला आ रहा है, इसको जितने मीटर का आ रहा है ये, कितने मीटर का, 10 मीटर का नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 8 मीटर का, नहीं 8 का भी नहीं है, 7 का, हाँ ये 7 मीटर का आ रहा है, ठीक है। अब इसको एंगल्स लाइन टू ग्रिड कर लेते हैं ऑन इसकी, ये हो गया ग्रिड ऑन, और इसको यहाँ पे ऐसे बस सीधा सीधा लेके चलते हैं यहाँ से ग्रिड पे, एंड ये हो गया भाई देखो कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है प्रॉपर। अब ये जो इधर से लोग आएंगे वो प्रॉपर आएंगे और यहाँ पे अपना यहाँ से जाएंगे आराम से। अब तो मैंने एक साइड से रास्ता बना दिया पूरा इनका, क्योंकि और इतना सारा रोड एकदम से गायब हो गया भाई, कितने लोग, ये क्या आ रहा है ये? वो मैंने रोड तोड़ा तो इसलिए आई है, गड़बड़ हो जाएगी ठीक धीरे धीरे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा रोड तोड़ देता ना अब ये यहाँ से कनेक्शन, तो वहाँ का कनेक्शन इसी रोड से, सिर्फ एक और कोई रोड है ही नहीं भाई कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ एक ही रोड है। तो ये अपना धीरे धीरे स्पेस अपना सही हो जाएगा, अब सही है ये रोड, मतलब पहले बिल्कुल अजीब से लग रहा था वो पतला पतला सा रोड। और इधर ये वाला रोड भी सही करना है मुझे, इसको भी सही कर देते हैं, ये देखो ये भी सिंगल चल रहा है ना, इसको भी सही कर देते हैं। ये लाइन टू ग्रिड करना पड़ेगा, ये लाइन टू ग्रिड, एंड एक अपोज करके ये सारा तोड़ देते हैं। ओके और जो रेलिंग सी आ रही है रेलिंग हटानी पड़ेगी मुझे, रुको रेलिंग ऑन एलिवेटेड हट जा, ये वाला है रोड, हाँ ये वाला रोड है। तो भाई देखो मैंने ये भी अपग्रेड कर दिया प्रॉपर है ना, अब इसको बस ये कनेक्ट करने का है, ये वाला कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये जो स्टाफ पाथ है इसको कनेक्ट करना जरूरी है, ठीक है स्टाफ आ रहा है वहां से तार रहा, तो इधर ये कनेक्ट करना जरूरी है। इसको मैं डायरेक्ट कनेक्शन भी दे सकता हूँ वैसे ऊपर यहाँ पे, कि मतलब वो इतना लंबा पाथ आ रहा है अजीब सा गंदा भी लग रहा है, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, इसको वापस से तोड़ देते हैं ये सारा स्टाफ पाथ जो भी है ना सारा तोड़ देते हैं यहाँ से। तो भाई स्टाफ पाथ देखो सारा यहाँ से मैंने तोड़ दिया, अब दोबारा से पाथ पे चलते हैं, एंड ये जो कनेक्शन वो हुआ है यहाँ से कनेक्शन हटाना है वाला, ये हट गया है, एंड ये जो है ना अब ये स्टाफ पाथ को हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं, इस साइड दे देते हैं कनेक्शन, तो ये यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा उधर जाने के लिए, जहाँ पे जिस इधर की साइड जाना जिसको भी, तो यहाँ से ऐसे इधर से चला जाएगा वो स्टाफ, तो अच्छा लगेगा मतलब गंदा नहीं लगेगा फिर दिखने में ना, अजीब सा नहीं लगेगा। तो इसको भी डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे लाइन टू ग्रिड करके ले चलते हैं ये रोड को। भाई ये स्टाफ के लिए भी इतना बड़ा नहीं यार, इतना बड़ा नहीं रख सकते स्टाफ के लिए, इतना ही ठीक है। ओके तो डिसलेक्ट ग्रिड करते हैं एंड इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुको एक काम करते हैं ये सारा तोड़ते हैं, ठीक है ये सारा तोड़ दिया, और अब फिर से पाथ पे चलते हैं और अलाइन टू ग्रिड करके इसको ऐसे स्ट्रेट ले जाते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे ट्रेन की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरे को ये ट्रेन सारा सही करना पड़ेगा, एक बार रुक जाओ। तो भाई ये कर हो गया देखो पूरे यहाँ तक आ गया, ठीक है एंड अब डिसलेक्ट ग्रिड करके अब इनको सबको कनेक्ट कर दो आपस में, एक मिनट
लाइन टू ग्रिड का फिर से ये यहाँ तक लंबा लेना है, अब कनेक्ट कर दो आपस में इनको। तो भाई देखो अभी ना कनेक्ट कर दिया, अब देखो प्रॉपर कितना अच्छा लग रहा है दिखने में ना, थोड़ा सिनेमेट मतलब एक मतलब सिमेट्रिकल चल रहा है पूरा, तो अच्छा लग रहा है दिखने में। पहले ये अजीब सा लग रहा था यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा था ना, तो वो मैंने सारा सही कर दिया, हटा दिया है अभी ये सारा ना, एक तरफ से इधर से हो गया सब। अब जो भी है इधर ऐसे जाएगा पहले, फिर उधर आएगा जो भी आएगा हमारा काम करने के लिए। एक सिमेट्रिकल चीजें ना अच्छी लगती है, वो अनसिमेट्रिक हो रखा था पूरा, तो वो अजीब से लग रहा था। तो अब सही हो गया, अब परफेक्ट काम होएगा हमारा, ठीक है। और ये देखो यहाँ भी प्रॉपर एक बेस बना दिया बढ़िया तगड़े तरीके से, बस इसको कनेक्ट करना रह रहा है, तो इसको स्टाफ पाथ ही देंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको स्टाफ पाथ दे दिया है, ठीक है। और इधर देखो क्या सही चल रहा है भाई, भीड़ भीड़ कहाँ गई यहाँ की, यहाँ की पब्लिक कहाँ गई, वो भाई रोड तोड़ा सारी पब्लिक गायब तो होगी एक बार, अब धीरे धीरे पब्लिक आएगी यहाँ से, पब्लिक आएगी देखो यहाँ कितनी भीड़ आ रही है, देखो पब्लिक की लाइन आ रही है, देखो प्रॉपर लाइन एक, ठीक है। धीरे धीरे सारी पब्लिक आएगी यहाँ जाएगी, फिर इसके अंदर घुस जाएगी वापस से, और ये गाड़ियां तो हमारी चली रही हैं तगड़े तरीके से। और फैसिलिटी ब्रोक डाउन, भाई कौन सी फैसिलिटी टूट गई, ये भाई मैकेनिक असाइंड, भाई मैकेनिक असाइंड हो चुका है ना बस, और क्या चाहिए। ओ इधर इधर इसको पाथ नहीं मिला हुआ भाई, इसको पाथ देना पड़ेगा, रुको पाथ दे इसको, तो भाई उसको पाथ नहीं मिला हुआ था, मैंने पाथ प्रोवाइड करवाया उसको, करवा दिया है, ठीक है। और ये रिपेयर हो जा रही है, अभी रिपेयर हो रही है मशीन तो। और अब हम जो करने वाले ना एक चीज में, मतलब आज जो हैबिटेट लगाने वाला हूँ, एक इधर की साइड जो अपना लायन का हैबिटेट था ना वही लगाने वाला हूँ मैं अपना, मतलब जो लायन मैंने काटा है वो लाइन को वापस से लेके आना है। मैंने सोचा ही था कि अभी जो अपना जो वाइल्ड टाइगर्स का हैबिटेट होगा ना सारा इधर की साइड होगा, प्रॉपर प्रॉपर एक वाइल्ड टाइगर्स का हैबिटेट बनाएंगे यहाँ पे, जितने भी हमारे होते हैं ना वाइल्ड कैट टाइगर्स जो भी होता है उन सब का हैबिटेट यहाँ बनाएंगे प्रॉपर, और मैंने ब्लूप्रिंट सेव भी किया था। तो भाई देखो पांडास पे तो भीड़ आ नहीं रही, क्योंकि यहाँ से रास्ता सीधा उधर जा रहा है, इधर कोई रास्ता ही नहीं आ रहा है ना, तो वो पब्लिक को समझ नहीं आ रहा होगा रास्ता। तो एक काम करते हैं ना, या पांडास पे भीड़ लाने के लिए लाइक वहां से एक ब्रिज लेके आते हैं सीधा, और इधर आके अटैच हो जाएगा, इस टाइप से एक ब्रिज बनाते हैं पांडास पे भीड़ लेके आने के लिए। तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले तो एक ही पत्थर वाला रोड लेते हैं, ठीक है। और अपने को 5 मीटर की काफी रहेगा ना, 5 मीटर की सीढ़ियां काफी रहेंगी, 5 मीटर की सीढ़ियां बनाते हैं यहाँ से एक, तो पहले बिल्कुल अप कर देंगे और यहाँ से सीढ़ियां लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियां ऊपर जो जा रही होंगी, ये अब यहाँ से इधर मुड़ जाएंगी एंड यहाँ से इधर फिर से, इतनी हाइट काफी है फिलहाल के लिए। और वहां से पहले एक बार लेके आते हैं पाथ लेते हैं एक वाला फिर से, एंड यहाँ से इसको लेके चलते हैं उधर तक, क्योंकि यार इसको लेके जाना भी तो जरूरी है ना पहले वहां तक, फिर तभी तो पता चलेगा कि कौन सा पाथ कैसे क्या लग रहा है। तो ये हमें एंगल देखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। एंड ये पूरा ऊपर उधर तक जाएगी, और पहले इसको देते हैं रेलिंग ऑन एलिवेटेड, हाँ ठीक है। देखो ये यहाँ से लेके जाऊंगा मैं प्रॉपर इसको मैं प्रॉपर इसके यहाँ से बिल्कुल बगल से लेके जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि भाई जो पब्लिक आ रही है ऊपर से भी देख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डोनेशन बॉक्स यहाँ पे भी लगा देंगे, डोनेशन अपने को प्रॉपर मिलेगी यहाँ से भी, ठीक है। एंड इसको अब यहाँ पे ऐसे मोड़ देंगे, ओ ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया इसे देखो पर कैसा अजीब सा लग रहा है ना कनेक्शन, इसको तोड़ो पहले या दोबारा से दोबारा बनाना पड़ेगा कनेक्शन, ठीक है। एंड ये यहीं तक आएगा ऐसे प्रॉपर बस, और यहाँ से अभी ये इधर मुड़ जाएगा रोड, बस इतना ही रहेगा ये रोड, वहां से इधर मुड़ गया। और अब फिर से लेते हैं पाथ और बिल्कुल छोटा करते हैं इसे, 4 मीटर का ही लेते हैं बस, ठीक है। 4 मीटर लेके अब यहाँ से डाउन, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीढ़ियां बना रही है डाउन आने के लिए, ठीक है। बिल्कुल देखो सीधी 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 ऐसे सीढ़ियां नीचे डाउन आ गई, और जिसको अब जिसको इस साइड जाना वो इस रोड से जा सकता है, ये हो गया कनेक्शन, ठीक है। अब एक यहाँ से मैंने पूरा एक रोड बना दिया प्रॉपर जो इधर जाने के लिए है, और इधर अपना रेस्टोरेंट है ये अपना, हाँ ये रेस्टोरेंट है, हाँ यहाँ पे लोग जा रहे हैं अंदर देखते हैं, ये एक्सेसिबल है, वेंडर ही नहीं है यहाँ पे, वाह इतने वेंडर्स होने के बाद भी यहाँ पे वेंडर नहीं है, क्या बात है भाई, ये क्या चल रहा है ये भाई, मेरे पास इतने सारे वेंडर्स है उसके बावजूद मेरे पास यहाँ पे वेंडर नहीं बैठा हुआ है भाई, अभी तो इतने मतलब पेंगुइन वर्क जोन में आ रही है और ऊपर से, और वेंडर्स की मतलब गिनती नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ वेंडर्स की गिनती नहीं है, मैं वेंडर दिखाता हूँ कितने वेंडर्स है मेरे पास, ये देखो भाई वेंडर्स देखो ये तुम, ये कितने वेंडर्स है, ये सारे वेंडर्स है और कोई काम नहीं कर रहा इनमें से भाई साहब, मतलब 72 वेंडर्स है मेरे पास जिनमें से जिस उसके बावजूद भी एक खाली है भाई, समझ सकते हो। तो भाई मैंने यहाँ पे इनको ना 4x4 वर्क जोन में डाल दिया इस रेस्टोरेंट को, 4x4 वर्क जोन में बहुत सारे हैं हमारे पास, क्योंकि वेंडर्स वो अपने आप आके अभी संभाल लेंगे, इसको मैंने 4x4 वर्क जोन में डाल दिया है ताकि भाई इसको काम करें लोग, ठीक है। और भाई यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं कि नहीं हुए भाई, इस रोड पे देखो लोग आने लग गए थोड़े थोड़े रोड, थोड़े थोड़े लोग इस रोड से भी आने लग गए अब, और धीरे 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 जैसे जैसे अपना काम बढ़ेगा ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी लोगों की, वैसे वैसे काम चलेगा जैसे जैसे वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, आज हमने कुछ भी नहीं करा, बस आज हमने जो ये तूफान मचाया है ना अपने जू के अंदर बस उसको रिपेयर करने की कोशिश करी थोड़ी सी इसके, भाई अब इस तूफान को रिपेयर करने के हम पार्ट निकालेंगे अलग अलग टाइप के। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।